बड़ी खबर आप देख सकते हैं कैमरा में, आज किसानों की महापंचायत थी और किस तरह से आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते हुए किसान। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैमला गांव से, जहां पर किसान कैमला गांव की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे आगे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम चल रहा है और कैमला गांव की तरफ किसान काले झंडे लेकर बड़ी तेजी से बढ़ते हुए, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स उस तरफ तैनात की गई है, पुलिस और किसानों का आमना सामना हो सकता है। बस किसान कैमला गांव की तरफ बढ़ चुके हैं, बड़ी खबर इस समय कैमला गांव की तरफ किसान बड़ी तेजी से बढ़ते हुए काले झंडे हाथ में लेकर, तनाव का माहौल देखा जा सकता है। हमारी आप सभी से अपील है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बड़ी खबर, बड़ी खबर कैमला गांव से, जहां पर काले झंडे लेकर किसान कैमला गांव की तरफ बढ़ते हुए और आगे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है, सड़कों पर बड़े बड़े ट्रकों को लगाया गया। और हमारी आप सभी से अपील है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कैमरा गांव की तरफ सीएम के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हुए देखना ही होगा कि अब मुख्यमंत्री कैमरा गांव में पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री ने वहां पर पहुंचना था, लेकिन किसान बड़ी संख्या में सीएम के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हुए, तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं तनाव का माहौल आगे हो सकता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैमला गांव रोड पर, जहां पर पूरी रोड को सील किया गया है, आगे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, बड़े बड़े ट्रकों को आगे मेन रोड पर खड़ा किया गया है ताकि किसान मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में ना पहुंच सके। बड़ा तनाव का माहौल देखा जा सकता है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और आप सभी ने रेडियो सड़क आ गई है, यहाँ पर रुको, आगे गाड़ी जाएगी बाकी बंदे भाई साहब रुका सैकड़ों की संख्या में किसानों का काफिला मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हुए, हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारी कैमला गांव रोड में तैनात किए गए। और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैमला गांव की रोड पर, जहां पर किसानों का काफिला पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरह से काफी तनाव का माहौल देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में आगे पुलिस फोर्सेस तैनात की गई है ताकि किसान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ना पहुंच पाए। और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जमकर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी संख्या में किसान आप देख सकते हैं किसानों का काफिला पहुंच चुका है, क्या करेंगे आज, क्या कहना चाहते हैं? सारा किसान एकजुट होकर खट्टर का विरोध करने के लिए आ चुका है। तो ये लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री के लगे बोर्डों को फाड़ते हुए, किस तरह से आप देख सकते हैं किसान महापंचायत के लगे बोर्डों को किसान फाड़ते हुए कैमला गांव की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर कैमला गांव से, जहां पर किसान महापंचायत के लगे बोर्डों को किस तरह से फाड़ा जा रहा है, ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। तनाव का माहौल देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में जो किसान है वो कैमला गांव में पहुंच चुके हैं और किस तरह से माहौल आप देख सकते हैं, तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी यहाँ सभी से अपील है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी संख्या में जो किसान है
काले झंडे लेकर कैमला गांव की तरफ बढ़ते हुए हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, कैमला गांव की तरफ किसानों का काफिला बढ़ते हुए आगे, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस तैनात की गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कहाँ जाना है? जाना अपना खट्टर के विरोध में कैमरा गांव में। मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर मारे गए। आज खट्टर का विरोध करने के लिए सारे करनाल के किसान इकट्ठे हो गए। खट्टर को यहाँ से भागना पड़ेगा। मुर्दाबाद खट्टर का और बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। वहाँ नकली किसान बैठे हैं, पूरे असली किसान पूरे जिले के यहाँ बैठे हैं। लाखों की उन्होंने गुंडे बुलाए हुए हैं और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी वहाँ बुलाए हुए हैं। मधुबन से सिंगल नहीं होने देंगे। यहाँ पे कुछ भी हो जाए जान भी देनी पड़े हम देंगे। तो माहौल आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ की तरफ जा रहे हैं? हम परसों भी गए थे, गाँव वाले ने हमें पीछे भेज दिया क्योंकि कोई झगड़ा ना हो, वैसे ना हो, हम पीछे आ गए। आज खट्टर वहाँ आ रहा है, हम उसका विरोध करने के जा रहे हैं और हम जाएंगे जरूर, जितने मर्जी बैरिकेड लगे हो, जितनी मर्जी पुलिस हो, कुछ भी हो सकता है वहाँ। 7 साल में बीजेपी ने धर्म मजहब जाति के नाम पे लोगों को बांटा। किसान आंदोलन ने 2 महीने में सभी को एक कर दिया। किसान भाईचारा, देखा जा सकता है सभी बैरिकेड्स को तोड़ने की बात कही जा रही है और किस तरह से युवा किसान भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ की तैयारी आ जाने की? किसान भगत सिंह होया फिर कमजोर थे लागे, खट्टर शास्त्री तो बकड़ा हम कैम लागे। किसान एकता, किसान एकता, हौसले बुलंद है किसानों के। खट्टर साहब की आज गोली देख लें, गोली में दम है, किसानों में दम है। मार देंगे, हेलीपैड मार देंगे आज। किसान पंचायत नहीं होने देंगे, इनके घोसले निभा होने देंगे आज। पुलिस फोर्स काफी तैनात है, कोई बात नहीं, किसानों के हौसले उनसे ज्यादा तैनात है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं किसान है, क्या कहना चाहेंगे? देखो आज यारा खट्टर आ रहा, भाईचारा बिगाड़ ना होता, आज उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतर देंगे। जैसे पाटे गांव में उसका हेलीपैड पड़े था, आज यारा पाट देंगे। क्यों दिया सरकार की साफ साफ मंशा भाईचारा खराब करने की, आग लगवाने की। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो आज ये प्रोग्राम ना होता। सीएम साहब किसानों के बीच आकर बात करते, ये अलग से ढकोसला नहीं करते आज। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं किसान सैकड़ों की संख्या में पहुंच चुके हैं और तनाव का माहौल देखा जा सकता है। काले झंडे लेकर किस तरह से तमाम किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी संख्या में किसानों का काफिला करनाल में, क्या कहना चाहूंगा? नहीं आने देंगे खट्टर को, पता लग जाए खट्टर हमारे करनाल से तो मना हुआ है, शर्म नहीं आ रही उसको, क्या नया करनाल में आएगा वहाँ किसानों के धरने में जाए ना, किसान यहाँ मर रहे हैं। किसान वहाँ पंचायत आज काम, ये किसान नहीं दिख रहे क्या? ये किसान नहीं है उसे बात कर रहे तो यहाँ करे आके, हाँ थोड़ जाएगा, वो हमारा सीएम है। किसानों के वहाँ मोदी से बात करे, मीटिंग करे मोदी से। भाईचारा खराब कर रहे हैं यहाँ पे आके, गाँव का भाईचारा खराब कर रहे हैं। ये कह रहा अभी तो टेलर है, ये अखबार में देखा आपने, टेलर शुरू कर, मैं सब जाऊंगा, हल्कों में सब में जाऊंगा। भाईचारा खराब कर रहे हैं ये बीजेपी सरकार ने दिखा दिया है। ये कौन सी पार्टी है, ये हमेशा फाड़ पाड़ती है, राजनीति करती रही है। ये पाड़ो और राज करो, इनका ये काम है, इनको किसान फट जाएंगे पाड़ने के। हम जाएंगे खट्टर को, हमने 2-6 तारीख को चेतावनी दी थी बिना यहाँ पे आए, पर आज वो दोबारा आके भाईचारा खराब करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। पाड़ लेने आ रही है, हमारे किसानों का गांव जा रहा है, ये हमारे भाई है यहाँ है, खट्टर का घर है ये, खट्टर यहाँ रोहतक साइड से आगे यहाँ बन गया है, सीएम बन गया है। सरकार इतनी अच्छी है, इतना अच्छा कर रही है, तो सरकार को वहाँ पे लोगों के बीच से होके जाते हैं, ये कैसे अपना हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वहाँ पे, ये इतने लोग हैं, ये भी तो किसान है, इनके बीच से होके जाते हैं। वहाँ पंचायत करनी है तो वहाँ जाके करे, यहाँ क्यों कर रहे हैं? ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं वहाँ पे, अपने अपने लोग गुंडा पंचायत है, ये गुंडा पंचायत है, किसान है। संख्या में किसान कैमला गाँव की तरफ बढ़ते हुए आगे
आगे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। काले झंडे लेकर कैमला गांव का एक नाका जो स्टार्टिंग में लगा हुआ था उसको तो तोड़ दिया और अब किसान जो है आगे आप देख सकते हैं रवाना हो चुके हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तनाव का माहौल देखा जा सकता है कैमला गांव से, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और दूसरी तरफ काले झंडे लेकर किसान सड़कों पर उतर चुका है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय करनाल के कैमला गांव से आप देख सकते हैं जहां पर किसानों का काफिला कैमला गांव की तरफ बढ़ता हुआ और किस तरह से एक नाके को तोड़ दिया गया। आगे का जो नाका है हम उसको उसकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप नाके की तस्वीरें देखकर हैरान हो जाएंगे कि कितना कड़ा बंदोबस्त यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। जिस तरह से करनाल के नेशनल हाईवे पर जब किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे 26 तारीख को, जिस तरह से करनाल के लेक पर बड़े बड़े ट्रकों को बड़े बड़े डंपरों को खड़ा किया गया था, आज भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सामने आप देख सकते हैं किस तरह से तनाव का माहौल देखा जा सकता है और बड़ी संख्या में जो किसान है प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े डंपर बड़े बड़े ट्रकों को किस तरह से मेन रोड पर खड़ा कर दिया गया ताकि किसानों को यहां से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ना जाने दिया जाए। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कैमला गांव में पहुंच चुके हैं प्रशासनिक अधिकारी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश करते हुए। करनाल के SP गंगाराम पुनिया से बातचीत चल रही है। हमारी आप सभी से अपील है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो कहीं लोकतंत्र की हत्या करने में आप भी शामिल हो। किसान पंचायत है और किसानों को वहां ना जाने दिया जाए, ये लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या क्यों होगी? प्लीज हमें जाने दो, हमने वहां तक जाना है और हमारे और आपके बीच में कोई टकराव ना हो, इसलिए हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप यहीं पर रहकर अपना शांतिपूर्ण ढंग से जो भी विरोध प्रदर्शन करें वहाँ पर करें। प्रशासन हम भी नहीं चाहते कि आपस में कोई टकराव हो और ना आप ये लोग जाओगे। इतने दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हो तो उस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से रखें। कम से कम इस गेट के पास तो जाने दो मुख्यमंत्री। बस ये कैमला रोड तो है, रोड तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, रोड वाली बात नहीं है जनाब। ऐसा ना करो, ऐसा प्लीज नहीं होना चाहिए। देखो अब कुल मिला के जो 100 की बात एक है, प्रशासन हमें ये कह रहा है भाई मुख्यमंत्री का किसानों की पंचायत में किसानों का जाना अलाउड नहीं, वहां पर हम सैलरों से जो मजदूर है उनको बिठाएंगे, हम 500 जो कुर्सी है उनसे भरेंगे। मुख्यमंत्री हमारे लिए किसानों के प्रोग्राम करने आ रहा है और किसान सारा ये काले झंडे लेके खड़ा है, हम झंडे भी यहाँ रखवाने के लिए तैयार है। यदि मुख्यमंत्री हमारे से बात करता हो, हमें अपनी संवाद तो हम करना चाहते हैं उससे। यहाँ से इन सेलरों से जो भीड़ल जाके चारों तरफ नाके लगा दिए, इस तरीके से पंचायत होती है? हमारा ये प्रशासन से भी अपील है भी प्रशासन हमें जाने दे। प्रशासन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, हम आपको किसी हालत में वहां नहीं जाने देंगे। अब ये किस तरीके की पंचायत है ये अपना अब लोग देखेंगे, इसका फैसला करेंगे। वहाँ बीजेपी के कुछ वर्कर है, वहाँ कोई भी किसान नहीं है। कैमला गांव में आप जाके देख सकते हो, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ कोई किसान नहीं है। बीजेपी के उन्होंने कुछ अपने वर्कर रखे हैं, जो पाल के रखे हमारे, परसों भी उन्होंने धक्का मुक्की की थी, वही वर्कर है वहाँ बीजेपी के, कोई किसान वहाँ नहीं पहुँचा। देखिए किसानों की बात नहीं है, आप देख सकते हैं करनाल के SP गंगाराम पुनिया समझाते हुए किसानों को कि आगे ना जाया जाए। आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम चल रहा है और एहतियात के मद्देनजर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर तैनात की गई है। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि किसान बड़ी संख्या में कैमला गांव की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे बड़ा कड़ा पहरा प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जहां पुलिस फोर्सेस है वही उनके पीछे की आप तस्वीरें देखेंगे कि बड़े बड़े डंपर जो है यहां पर, ट्रक जो है यहां पर खड़े किए गए हैं। हमारे आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े जो रेत के डंपर्स हैं
उनको यहाँ पर बीच रोड पर खड़ा कर दिया गया ताकि जो किसानों का काफिला है वो आगे ना जाने दिया जाए। और कम से कम 20 से 25 रेत के बजरी के बड़े बड़े डंपर से आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। और हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से कई टाइट लेयर सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई है। आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से दंगा नियंत्रण वाहन यहां पर खड़े किए गए हैं और पूरा पुलिस छावनी में तब्दील किया कर दिया गया है कैमला गांव को, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़े बड़े डंपरों को, बड़े बड़े ट्रकों को बीच रोड पर खड़ा कर दिया ताकि किसान आगे ना पहुंच पाए। और आप देख सकते हैं आगे किस तरह से पुलिस फोर्सेस आगे पूरी तरह से तैनात हैं और इस रोड पर इतना कड़ा पहरा है ताकि आगे किसान ना पहुंच पाए। और आप देख सकते हैं कि तनाव का माहौल जरूर देखा जा सकता है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कैमला गांव से आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर जा पाना आसान नहीं है, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हैं कि वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यक्रम है उसको नहीं होने देंगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा नाका यहां पर सुरक्षा का कड़ा किया गया है ताकि किसान आगे ना जा पाए। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। और आगे आप अगर देखेंगे तो पुलिस फोर्स आपको नजर आएगी, तमाम वाटर कैनन की गाड़ियां, दंगा नियंत्रण वाहन सभी जो है यहां पर देखे जा सकते हैं। हालांकि जो स्टार्टिंग का नाका था उसको किसानों ने तोड़ दिया और अंदर कैमला रोड पर वे एंटर हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रकों को किस तरह से मेन रोड पर खड़ा किया गया। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आगे की हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचने वाले हैं। जानकारी ये मिली है कि 12 बजे का समय रखा गया है और ताकि किसान वहां पर ना पहुंच पाए। कैमला रोड की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े ट्रकों को, बड़े बड़े डंपरों को, हाईवे से पकड़कर रेत के डंपरों को, बजरी के डंपरों को किस तरह से यहां पर बीच सड़क पर लगा दिया गया ताकि किसान कैमला गांव में ना जा पाए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को नहीं होने देने की चेतावनी दी गई थी, जिसकी तस्वीरें समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप सबसे पहले देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं कि कितना कड़ा पहरा। ड्राइवर है कुछ आप बताएं, आपकी गाड़ी है यहाँ पर, कहाँ से पकड़ी थी? ये मेरठ चौक से पकड़ी है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कंडा कराओ, फिर मगर सर अंडर लोड माल है। फिर ऑटो दफ्तर में ले गए, वहाँ बोलते हैं तुम्हारी गाड़ी कल 10 बजे छोड़ेंगे। फिर यहाँ ले गए आए रात 10 बजे हमें यहाँ काम लगाओ में। तो ट्रक ड्राइवर को किस तरह से परेशान किया गया, यहाँ पर खड़ा किया गया, उनकी गाड़ियां रोक ली गई, कहा कंडा होगा, ओवरलोड नहीं था। ओवरलोड नहीं था आपका? अंडरलोड है। तो चाबी यहाँ ले आए, ट्रक यहाँ ले आए? हाँ जी, सारी गाड़ी अंडरलोड है जितनी भी खड़ी है। तो क्यों पकड़ा उन्होंने पता आपको? बस यही रास्ता रोकने के लिए किसाना का। उन्होंने आप लोगों लगता है क्या गलत है? गलत ही है, हमने क्या बहरा था किसाना का रास्ता रोकना है। कब से खड़े हैं आप यहाँ? कल से खड़े हैं 10 बजे से रात। आप देख सकते हैं कि कल से ड्राइवरों को किस तरह से हाईवे से गाड़ियों को पकड़ा जाता है, बड़े बड़े रेत के डंपरों को पकड़ा जाता है। ड्राइवर यहां पर कल रात से भूखे प्यासे यहां पर खड़े हैं, उनकी चाबियां ले ली जाती हैं यहां पर गाड़ियों को खड़ा करके। और ये लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर तैनात की गई है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के कैमला रोड की आप देख सकते हैं, जहां पर इस रास्ते से आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यक्रम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस है वो यहां पर तैनात की गई है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर किसानों की, आज ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मांग है जिसको लेकर कैमला जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम 8 तारीख को भी आए थे और वही तरीक। क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए आज जो किसान नेताओं से वादला है वही 10 तारीख को आवाज थी और खट्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने जो कुर्सियों पे बिठाए हैं वो दिहाड़ी मजदूर है, किसान को देखना चाहते हैं। ये है किसान, आप आके देखिए, असली किसान नहीं है ये। अपनी मांग रखने की हमें ये कानून अच्छे नहीं है, किसान के खिलाफ कानून है। और खट्टर साहब ये और उनके कार्यकर्ता ये बताते हैं कि बहुत अच्छे कानून, हालांकि कार्यकर्ता को ये भी नहीं पता होगा भी कानून के बारे में पता भी नहीं, और वो कह रहे हैं भी अच्छे कानून है। अगर खट्टर साहब हम नहीं देखते किसान नहीं है, इधर आके देखिए आप, हमें चुपचाप वहां जाने दे, हम अपना प्रदर्शन करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि ऊपर उठाएंगे, सब सियाने किसान है, अच्छी तरह शांतिपूर्वक तरीके से वो अपना प्रदर्शन करेंगे। देखिए
गुंडागर्दी प्रशासन वालों शांति प्रिय तरीके खलोते हैं, कोई किसी भी हिंसा नहीं की। यह तो सर गुंडागर्दी सरासर, अगर अभी अगे जाने सू पहला भी इन्हें पानी बिशारा मारिया ने, अस कोई छड़े ने, सारा कुछ ही किया, अज भी सर यही काम कर रहे हैं। तो दूजी गल जी खट्टर सरकार है, ये मतलब एक किसानों का आपस में भड़ाने का काम कर रही है। एवं गंदी राजनीति सरकार नहीं कटनी चाहिए। किसान जे असली ने आ खलोते ने इन्हें दहाड़ी दर जाके पाए ने, उन्होंने समझा समझ की है, इन्हें विखा देना मीडिया से, तुम आप ही विखाना सर भी आ किसान बैठे ने खट्टर सर, कि समझा सानू समझा, अगर गलबात उन्हें करनी है टिकरी बोर्डर से जान उ जाके सिंह बोर्डर से गल कर सर, यह कोई गल थोड़ा हुई है तो सारा यार गुंडा कर दी है, इन्हें थां थां बैरिकेडिंग की है, असं अपना प्रदर्शन कर चल रहे। देखो इन्होंने कैमले पिंड भी बदनाम करने की कोशिश की है कि बीजेपी सरकार ने, क्योंकि पिंड पिंड के जो युवा है सारा अपने नाल है, उन्होंने भी अंदर उन्होंने पाबंदी बना के जेडे आवाज उठाना चाहते उन्होंने घर के अंदर रोक लिया गया है। इतों सारे सैलर बंद करके उन्होंने लेबर लिजा के उन्हें सारे कुर्सियों पर बिठा देने, उन्होंने कार्यकर्ता ने पहला सद लेने। किसान अगर जे किसान पंचायत करना चाहते तो किसान बच्चे रखो ना, आप यहाँ आके बात करें उनसे, और ये देखिए किसान यहाँ लाखों की ताड़ रहा है, पूरे हरियाणा से किसान यहाँ हुआ है, एक छठी आवाज पूरे हरियाणा का किसान यहाँ है। अगर वो यहाँ सैलरों के दुकानदार दिहाड़ी पर जाके उन्होंने कुर्सी बैठाए हुए हैं, ये कहाँ का आप किसान पंचायत कर रहे हैं खट्टर साहब, ऐसे नहीं चलेगा। किसानों के बीच में आके हमसे बात करिए, हम ऐसे थोड़ा आपको किसान एकता, किसान भाईचारा जिंदाबाद, किसान भाईचारा जिंदाबाद, खट्टर सरकार के किसान है, किराए के किसान है, माड़े पर ले हुए किसान है। अगर मुख्यमंत्री साहब आप देख रहे हो तो ये देखो किसान सड़कों में बैठे हैं, आपकी पंचायत में सब डुप्लीकेट किसान है, माड़े के किसान है। सारी फैक्ट्रियों को जी कल जितनी फैक्ट्री है नी अली प्रेम है सबको फोन करे, यहाँ पे जो मजदूर नी फैक्ट्री को बंद करवा देंगे, ठीक है जी। कहा है किसान है अरविंद कल्याण मंत्री के लिए, मैं भी रोड बरादरी से हूँ, क्या मंत्री के लिए ये आगे कहाँ जाएगा, आगे बन के देख लियो जो मैंने जो पता है, अब इस्तीफा दे दो अगर दम है अरविंद कल्याण में, अगर 5,000 भी पार करके दो वोट जा। किसान किसान रैली, किसान रैली क्या, किसान रास्ते सारे बलों का किसान कहाँ से आएंगे, हम पूछना चाहते हैं। किसान तो यहाँ है जो हमारे साथ खड़े हैं, बैठे कंधे से कंधे मिलाकर किसान को बैरिकेडिंग की है सर, इन्हों हर पिंड बैरिकेडिंग हो गई है, इन्होंने कोई भी अगर इलेक्शन होना किसी बटन भी नहीं देना इन्हों, असं अपने पिंड के पोस्टर भी लाए ने, हर पिंड के पोस्टर लगे ने इन्हों, पर इन्ना घटिया काम कोई सरकार नहीं किया जिन्ना एक सरकार ने घटिया काम किया। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं लगातार किसान जो है काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के कैमला रोड से इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहां पर पहुंचे हुए, और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से गांव कैमला में पहुंचने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, दोबारा से हम आपके बीच में पहुंचेंगे। और हमारी आप सभी से अपील जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा करनाल।